हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रिचा। मैं आज आपके साथ एक फेस पैक शेयर करने वाली हूं, जो है ब्राइडल फेस पैक। बहुत ही अमेजिंग फेस पैक है गाइस। आप देख लीजिए मेरे चेहरे पर ग्लो। मैंने वही फेस पैक लगाया, उसके बाद मैं अपने तैयार हुई हूं, तो आप खुद भी देख सकते हो इसका ग्लो। और मैंने कुछ भी ज़्यादा कुछ नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ अपना लैक्टिव कैलोवाइन लोशन लगाया है और बस एक कॉम्पैक्ट लगाया है और बस आईलाइनर और लिप कलर लगाया, बस दस इट। और इससे ज़्यादा मैंने कुछ भी नहीं किया है गाइज। और आप खुद भी देख सकते हो मेरे फेस पर ग्लो। और मैंने वाइट काजल लगाया। मेरा ये मेकअप कैसा लगा आपको, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जल्दी से चलिए फेस पैक आप ट्राई कर लीजिए, जल्दी से बना लीजिए। ये सारी स्किन सूटेबल है आप हमेशा, और ब्राइडल ही क्यों, आप लोग भी आप लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ब्राइडल ही लगाएं, आप भी यूज़ कर सकते हैं। और इग्नोर कीजिएगा अगर ये आवाज़ आ रही हो तो, क्योंकि एसी चल रहा है मेरे रूम में और बहुत गर्म हो रहा है बाहर, तो मैं एसी चला रखी हूँ। तो फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ग्लो कैसा लग रहा है, प्लीज़ कमेंट कीजिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सबसे पहले देख लीजिए इसको मैंने बनाया कैसे, फिर डेमो देख लीजिए मैं लगाई कैसे हूँ। फ्रेंड्स मैं ब्राइडल फेस पैक बना रही हूँ, तो उसके लिए हमें चाहिए, ये मैंने लिया है बीट रूट का जूस। मैंने कद्दूकस करके उसको पहले धो लिया है, बीट रूट को, चुकंदर को, और फिर मैंने उसका जूस निकाल लिया है। तो इतना ही काफ़ी है मेरे फेस के लिए। आप चाहें तो ज़्यादा निकाल लीजिए और अपनी पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हो, तो आप इतना ही सफिशिएंट है मेरे फेस के लिए, तो मैं इतना ही ले रही हूँ। और मैं इसमें थोड़ा सा नीम पाउडर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी फेस पैक बनाया था तो मेरे फेस पर थोड़ा सा एक पिंपल टाइप हुआ है, नॉट पिंपल नहीं है वो, लेकिन फिर भी मैं इसमें नीम का पाउडर ले रही हूँ। नीम पाउडर आपके पास जो भी हो, नीम पाउडर आप वो ले सकते हो, या फिर आप जो फ्रेश नीम की लीव्स लेकर उसके जूस निकाल लीजिए। मैं आधे चम्मच नीम पाउडर लिया है मैंने, और लूंगी मैं ये, मैं कायोलिन पाउडर ले रही हूँ। मैं मुल्तानी मिट्टी की जगह मैंने जो पाउडर लिया था कायोलिन, वो ले रही हूँ मैं गुड वाइब्स का, तो मैं इसको भी ले लूँगी। आजकल मैं इसके साथ कुछ ज़्यादा ही फेस पैक वगैरह बना रही हूँ, क्योंकि मुझे इससे बहुत ही अच्छा लगा इससे फेस पैक बनाकर। और मैं लूँगी ये बादाम का पाउडर, मैंने बनाकर रखा था, जो कि बादाम को पीस लिया है मैंने, ग्राइंड कर लिया है। एक्सफोलिएट बहुत ही अच्छे से होगा इससे। आप अपने फेस के अकॉर्डिंग ले लीजिए, मैंने तो थोड़ा ही लिया है, ज़्यादा नहीं लेना है, मुझे ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी। और मैं ले लूँगी डाबर हनी, डाबर हनी ले लिया मैंने एक चम्मच। और मेरे पास रॉ मिल्क नहीं था, तो मैं इससे रॉ मिल्क ले लूँगी। मेरे पास रॉ मिल्क नहीं था मिल्क, तो मैंने कहा कि चलो ये मैं मिल्क पाउडर ले लेती हूँ। मैं नेस्ले का मिल्क पाउडर ले रही हूँ, अपने हाथ से ही ले लूँगी, थोड़ा बस इतना ही लेना है, थोड़ा और डाल लेती हूँ। मिल्क में लैक्टिक एसिड होता है, तो ये फेस के लिए बहुत ही अच्छा है। और बीट रूट हमारे स्किन को, जो हमारी स्किन होती है वो पिगमेंटेशन भी दूर करता है और बहुत ही अच्छा काम देता है हमारी स्किन पर, दाग धब्बे भी दूर करता है। तो आप इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लीजिए और 5 मिनट्स के लिए आप फ्रीजर में रख दीजिए, सिर्फ 5 मिनट्स के लिए। इससे क्या होगा, आपकी जितना भी ये फेस पैक मैंने बनाया है, तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्सअप भी हो जाएंगी और 5 मिनट में आपका जो ये पैक है वो ठंडा भी हो जाएगा, कूल हो जाएगा बिल्कुल, तो आपकी स्किन पे और भी अच्छा असर करेगा। तो इस तरह से मिक्स करके 5 मिनट्स के लिए फ्रीजर में रख दूंगी। तो चलिए देखते हैं इसको, फिर 5 मिनट्स बाद मैं किस तरह अप्लाई कर रही हूँ।
तो फ्रेंड्स मैंने इसको 5 मिनट्स के लिए फ्रीज़र में रख दिया था और अब मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, ये मैंने निकाल लिया है और मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है। तो मैं क्लीन फेस पर ये फेस पैक लगा लूँगी। बहुत ही अच्छा है ये ब्राइडल, इसको रोज़ लगा सकती है। इसमें ऐसी मैंने कोई भी चीज़ नहीं डाली है जो कि आपकी स्किन को कोई नुकसान पहुँचाए। तो आप इसको रोज़ लगाइए और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। आपकी अगर दाने वगैरह हैं वो भी इससे कम हो जाएंगे और अगर आपकी स्किन में सन टैन है वो भी इससे रिमूव हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें लैक्टिक एसिड दूध भी डाला है और बादाम भी मैंने डाले हैं, क्योंकि आपकी स्किन एक्सफोलिएट भी कर देगा। ये हल्की फुल्की अगर आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम है तो वो भी इससे ठीक हो जाने वाली है। और नीम भी मैंने इसीलिए डाला है कि आपके जो दाग वगैरह हैं वो इससे रिड्यूस हो जाए। तो मैं हैंड से ही लगा लेती हूँ क्योंकि मुझे हैंड से बहुत अच्छे से मेरे से लग जाता है। बहुत कूल लग रहा है, बहुत ठंडा है ये। और फ्रेंड्स आपके आपके पास भी ये बच जाता है तो आप क्या करिए कि अपने हैंड्स पर भी अप्लाई कर लीजिए, तो उससे बहुत ही अच्छा फ़ायदा होता है। और अगर आपके पास क्या कहती हूँ कि वो नहीं है आपकी कायोलिन पाउडर, तो आप मुल्तानी मिट्टी के साथ बना सकते हो, बहुत ही अच्छा काम देगा ये। मुल्तानी मिट्टी के साथ भी फ़ायदा ही पहुँचाएगा, कोई नुकसान की बात नहीं होगी उसमें। मैंने सिर्फ लिप बाम लगाया था, वो भी मिक्सअप हो गया है। ये ब्राइडल के लिए बहुत ही बेस्ट फेस पैक है, आप इसको एक बार ट्राई। और ब्राइडल ही क्यों लगाएं, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप की शादी होने वाली है वही लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई भी आप लगा सकते हो क्योंकि आपको भी सुंदर दिखना है। मैं 10 से 20 मिनट्स के लिए मैं इसको ऐसे ही लगा छोड़ दूँगी अपने फेस पर। तो चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ, जब मैं ये सूख जाएगा तब मिलूँगी। मैं धोने के बाद ही मिलूँगी। इसको एक्सफोलिएट करके आपको धुल लेना है, बस बहुत ही जेंटली एक्सफोलिएट करना है आपको, हल्के हल्के हाथों से, ज़्यादा हार्श नहीं करने है आपको, हल्के हाथों से करना है। चलिए मैं धुल के मिलती हूँ 20 मिनट्स के बाद। और फ्रेंड्स मैं भूल गई थी कि मैं ड्राई स्किन के लिए ही मैंने इसमें हनी डाला है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो आप रोज़ वाटर के साथ इसको बना सकते हो, उससे भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी स्किन पर और बहुत ही ठंडा ठंडा कूल भी लगेगा। और मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है इसलिए मैंने इसमें दूध का भी इस्तेमाल किया है, मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है और हनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे पास रॉ मिल्क नहीं था तो इसीलिए मैं आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने फेस ऑफ कर लिया है अपना और देख लीजिए आप ग्लो मेरे फेस पर, ये देखिए। और ये ब्राइडल्स रोज़ लगाएंगी ना तो उनका चेहरा एकदम से बहुत ही प्लम्प और शाइनी और ग्लोइंग हो जाएगा, ब्राइट तो हो ही जाएगा चेहरा, क्योंकि बहुत ही अच्छा इफेक्ट देता है ये फेस पैक। और जितने भी आपके दाग धब्बे होंगे वो भी ठीक हो जाएंगे। और आपको अगर बहुत ज़्यादा पिंपल्स वगैरह हैं तो वो भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, एंटी एजिंग आपकी पिगमेंटेशन है वो भी ठीक होगी, रिड्यूस होगी, क्योंकि उसमें ही ज़्यादा समय लग जाता है फ्रेंड्स। तो देख लीजिए, तो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने किस तरह बनाया है। और अगर आपके पास कायोलिन नहीं है तो आप मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर सकते हो, ये भी पूरा वही वर्क करेगी आपके फेस पर। और जो भी आपके पास नहीं, अगर आपके पास आलमंड नहीं है तो वो भी आप नहीं डालिए, और आपके पास पाउडर मिल्क पाउडर नहीं है तो आप रॉ मिल्क भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा है ये। गाइस आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए, और ज़रूरी नहीं है कि ये
ब्राइडल ही लगाएं, आप लोग भी ये लगा सकते हो। और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, क्योंकि अभी शादियों का मौसम चल रहा है, मैरिड ड्रेस मतलब शादियों का मौसम है, तो अभी शादियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो आप लोग इस फेस पैक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करने में कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके, और सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसके बाद आप बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को भी जरूर हिट करिएगा, क्योंकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो वो आपके पास पहुँच जाएगा। और मैं रोज़ वीडियो न्यू रोज़ ही अपलोड करती हूँ, तो आप लोग मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेस पर, अपनी बॉडी पर वर्क करती हूँ। आप चाहें तो ये वाला फेस पैक आप पूरी बॉडी पर भी लगा सकते हो। तो अगर और आपने वो जो मैंने गिव अवे का अनाउंसमेंट किया है वो आप लोग उस पर पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं, आप लोग ज़रूर कीजिए। और मैं चाहती हूँ कि मुझे रोज़ हर वीडियो में मुझे कमेंट मिले और मैं किस तरह और कौन कौन से आप लोग फेस पैक वगैरह और क्या चाहते हो आप मेरे चैनल पर देखना, तो मैं ज़रूर आपको बताऊँगी। और आपको पसंद आया है कोई भी वीडियो और कुछ भी आपको गलत लगा है, सही लगा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत अच्छा मैंने गिव अवे रखा है और आप लोगों को गिफ्ट जरूर दिया जाएगा। तो अभी से आप मुझे फॉलो करेंगे, मेरे वीडियोस को देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, आप भी कर लीजिए और लोगों से भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। तो मेरा चैनल जैसे ही ग्रो करेगा तो मैं आपको जुलाई में आपको गिफ्ट ज़रूर दूँगी, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ घूमने, तो मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ, इसलिए तो मैं जुलाई तक ही आऊँगी। तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियोस को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ग्रो करिए। चलिए फ्रेंड्स, बाय। बहुत ज़्यादा बातें हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा कम हो, लेकिन क्या करूँ, बताते बताते टाइम हो जाता है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। चलिए फ्रेंड्स, बाय। मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, मुझे भी बहुत टाइम हो रहा है। बाय बाय बाय।